Welcome back to my channel Krishu's Creation. और आज का जो वीडियो है ये भी एक आई मेकअप लुक है और स्पेशली नवरात्रि के लिए है एंड ये एक ग्रीन आई मेकअप लुक है एंड मैं आज आई मेकअप लुक ही दिखाऊंगी और रेस्ट ऑफ द मेकअप लुक्स मैं नहीं दिखाऊंगी. सो फर्स्ट आई एम यूजिंग कंसीलर एंड देन इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू प्रॉपरली ब्लेंड कर रही हूँ. एंड आफ्टर दैट मैं कॉम्पैक्ट यूज करूंगी और इसको पूरी फेस के ऊपर ब्रश के थ्रू अप्लाई करूंगी प्रॉपरली. एंड नाउ मैं आईब्रो पेंसिल लेकर मेरा आईब्रो सेट करूंगी और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना जरूरी नहीं है फ्रेंड्स. आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स है आप उसी के साथ अपना आईब्रो सेट कर सकते हो. जिसको जो प्रोडक्ट कन्वीनियंट लगता है वो वही यूज़ करें. नाउ आई एम यूजिंग हिलरी रोडा आई शेडो पैलेट और इसमें से मैं पहले एक पीच कलर का शेड चूज करूंगी और पूरी आईलिड के ऊपर अप्लाई करूंगी. ब्लेंड करना बहुत ही ज़रूरी है तो इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे. एंड नाउ मैं एक बेज कलर मतलब कि न्यूड बेज कलर चूज करके इसको भी आईलिड के ऊपर अप्लाई करूंगी क्रीज के ऊपर. अभी मैं उसी पैलेट से एक ग्रीन शेड पिक कर रही हूँ और इसको क्रीज से पूरी आईलिड के ऊपर अप्लाई करूंगी प्रॉपरली. एंड देन एक फ्लफी ब्रश लेकर मैं इसको ब्लेंड करूंगी. इवेंटली ये ब्लेंड होना चाहिए नहीं तो अगर एजेस दिखे आई मेकअप एकदम अच्छा नहीं लगेगा. ओके नाउ मैं हिलरी रोडा का दूसरा पैलेट यूज करूंगी और इसमें से भी एक ग्रीन शेड यूज करूंगी. ये शेड थोड़ा शिमरी है मतलब कि मेटालिक कलर है तो इसे एक ग्लो आता है. यू गाइस कैन सी दैट. फिर से ब्लेंड करते जाओ टिल यू गेट सेटिस्फाइड. मैं एक दूसरी ग्रीन कलर पिक कर रही हूँ. ये थोड़ा सा डीप है और इसको क्रीज के ऊपर अप्लाई करूँगी. एंड नाउ मैं एक ब्राउन डीप ब्राउन कलर शेड यूज़ करके क्रीज एरिया में इसको अप्लाई करके एक ट्रांजिशन लुक क्रिएट करूँगी. इसके लिए थोड़ा सा हार्ड ब्रश लेकर इसको अप्लाई कर रही हूँ. अभी मैं सेम न्यूड शेड लेकर क्रीज के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ तो इसके थ्रू ये ब्लेंड हो जाएगा प्रॉपरली. ओके नाउ आई एम अप्लाइंग ग्रीन आईलाइनर. ये एन वाई बी का ग्रीन कलर का आईलाइनर है तो इसको थोड़ा सा थिक करके अप्लाई करेंगे टू गेट अ बोल्ड लुक. आईलाइनर अप्लाई करने के बाद मैं एक गोल्ड शिमरी इफेक्ट वाला आई शेडो चूज करके इसको ब्राउ बोन के ऊपर यूज कर रही हूँ. ये हाइलाइटर वाला इफेक्ट दे रहा है मुझे और इसको आईज के कॉर्नर में भी अप्लाई कर रही हूँ. अलग से हाइलाइटर यूज नहीं कर रही हूँ. एंड देन सेम डीप ग्रीन कलर को मैं वाटर लाइन के नीचे अप्लाई कर रही हूँ. एंड नाउ आई एम यूजिंग काजल
काजल को अभी वाटरलाइन के ऊपर, ये ब्लैक कलर का काजल है जिसको मैं वाटरलाइन के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। नाउ आई एम यूजिंग आईलैश कलर टू कर्ल माय ओन आईलैशेस। एंड नाउ मस्कारा अप्लाई करूंगी, मैं यही मस्कारा यूज करती हूँ तो वही अप्लाई करूंगी। आपका मस्कारा आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। सो ये आई मेकअप लुक मेरे रेडी है, तो जितना फॉलोअप हुआ है उसको ब्रश के थ्रू मैं क्लियर कर रही हूँ और फिर मैं कंपैक्टर अप्लाई कर रही हूँ। ओके, सो मेकअप लुक इज एब्सोल्युटली डन। रेस्ट ऑफ द मेकअप लुक मैं नहीं दिखाई क्योंकि ये आई मेकअप स्पेशल लुक है। सो आई होप यू गाइस, सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन एंड आई विल बी बैक वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।